हेलो वेलकम टू द चैनल इस वीडियो में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित वन लाइनर प्रश्नोत्तर सीखेंगे पहला प्रश्न अंतिम मौर्य शासक कौन था उत्तर बृहतरथ दूसरा प्रश्न अशोक की मृत्यु के उपरांत किन दो शासकों ने दो भागों पर राज किया उत्तर दशरथ और संप्रति तीसरा प्रश्न अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं उत्तर प्राकृत और ब्राह्मी चौथा प्रश्न आजीविका पंथ की नींव किसने रखी उत्तर मखाली योशाल ने पांचवा प्रश्न आरंभिक भारतीय साहित्य में यूनानी खगोलविदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है उत्तर यवना छठवा प्रश्न ईशा की पहली सदी के लगभग सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राए किसने जारी की थी उत्तर कृषकों ने सातवा प्रश्न ईशा की पांचवी शताब्दी में भारत में आए किस विदेशी यात्री ने गुप्तकालीन भारत की स्थितियों का वर्णन किया है उत्तर पहया आठवा प्रश्न उत्तर के पल्लवों के प्रमुख दुश्मनों के नाम क्या थे उत्तर चालिक्य नववां प्रश्न उत्तर वैदिक काल में आर्य किस क्षेत्र के लोगों के संपर्क में आए उत्तर उत्तर प्रदेश यानी कौशल और उत्तरी बिहार यानी विदेह दसवां प्रश्न उत्तर वैदिक काल में गंगा नदी के ऊपरी मैदान की क्षेत्र में कौन निवास करते थे उत्तर आर्य लोग। ग्यारहवा प्रश्न कर मुक्त धार्मिक अनुदान की परंपरा भारत में किस वंश का शासकों ने प्रारंभ की उत्तर सात वाहन शासकों ने बारहवा प्रश्न करों के मूल्यांकन और संग्रहण के लिए मौर्य काल का कौन सा अधिकारी जिम्मेदार था उत्तर समाहर्ता। तेरहवा प्रश्न कवियों ने राजाओं तथा आश्रयदाताओं की प्रशंसा में जिन अभिलेखों की रचना की थी उन्हें कहते हैं उत्तर प्रशस्तिया चौदहवा प्रश्न किस चोल शासक ने गंगई कोंड की उपाधि धारण की और क्यों उत्तर राजेंद्र प्रथम क्योंकि उसने गंगा को जीता था पंद्रहवा प्रश्न किस चोल शासक ने कावेरी नदी पर बांध का निर्माण किया उत्तर संगम काली प्रश्न किस प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल से तालवों द्वारा सिंचाई लोकप्रिय थी उत्तर तमिलनाडु सत्रहवा प्रश्न किस राजा के शासनकाल में चीनी यात्री वेंसांग ने भारत की यात्रा की उत्तर हर्ष के शासन काल में अठारहवा प्रश्न किस वैदिक ग्रंथ में राजाओं द्वारा बड़े बड़े बलियज्ञ आदि के विधान मिलते हैं उत्तर सौत सूत्र में उन्नीसवा प्रश्न किस हड़पकालीन स्थान से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी उत्तर मोहंजदाड़ो बीसवा प्रश्न किस हड़पकालीन स्थान से प्रसिद्ध पशुपति मुद्रा मिली है उत्तर मोहंजदाड़ो इक्कीसवा प्रश्न किसके संरक्षण में चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन किया गया उत्तर कुडलवन वर्तमान में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर को निकट हरवान हरवान कनिष्ठ के संरक्षण में बाईसवा प्रश्न कुमार अमात्य कौन थे उत्तर उच्च स्तरीय केंद्रीय अधिकारी तेईसवा प्रश्न कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था उत्तर कनिष्क चौबीसवां प्रश्न खेती बाड़ी के अतिरिक्त हड़प्पा के लोगों में कौनसी आर्थिक गतिविधियों का प्रचलन था उत्तर पशु चराना माने पशुपालन का पच्चीसवा प्रश्न गांधार शैली के प्रमुख संरक्षक कौन थे उत्तर शक कुषाण छब्बीसवा प्रश्न गुप्त काल में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था उत्तर देश राष्ट्र मुक्ति सत्ताइसवा प्रश्न गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था उत्तर चंद्रगुप्त प्रथम अट्ठाईसवा प्रश्न गुप्त शासकों द्वारा धारण की गई उपाधियों क्या थे उत्तर महाराजाधिराज परम भद्रक परमेश्वर उन्तीसवा प्रश्न गुप्तकालीन प्रशासन की लघुतम इकाई का नाम बताइए उत्तर ग्राम तीसवा प्रश्न गुर्जर प्रतिहार पाल तथा राष्ट्रकूट के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या था उत्तर कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इक्कीसवा प्रश्न गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवथन किस स्थान पर दिया था उत्तर सारनाथ बत्तीसवा प्रश्न चट्टानों पर चित्रकारी अथवा चित्र किस काल की भिन्न विशिष्ट कला थी उत्तर मध्य पाषाण युग तैतीसवा प्रश्न चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का विवाह किस वंश के शासक से हुआ था उत्तर वाकाटक चौतीसवा प्रश्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अलंकृत होने वाले चर्चित संस्कृत कवि तथा नाटककार उत्तर कालिदास पैतीसवा प्रश्न चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री का नाम उत्तर पाह्यान छत्तीसवां प्रश्न चालिक्य साम्राज्य की राजधानी थी उत्तर वातापी तैतीसवां प्रश्न जैन धर्म के सिद्धांतों में त्रिरत्न नाम के कौन से तीन तत्व हैं उत्तर सम्यक विश्वास सम्यक ज्ञान और सम्यक व्यवहार अड़तीसवा प्रश्न ताम्र पाषाण युग के लोग मकान बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे उत्तर मिट्टी। उनचालीसवा प्रश्न ताम्र पाषाण युग में औजारों के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग होता था उत्तर पत्थर तांबा। चालीसवां प्रश्न तोरमण किस वंश से संबंधित था उत्तर हूण इकतालीसवां प्रश्न त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाली तीन प्रमुख शक्तियों के नाम बताइए उत्तर गुर्जर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट बयालीसवा प्रश्न दक्षिण भारत में कुछ व्यक्तियों को उनके मिट्टी के बर्तनों औजारों हथियारों और अन्य निजी वस्तुओं के साथ बड़े बड़े भारी पत्रों के नीचे दफनाया जाता था इन कब्रों को कहा जाता है उत्तर महापाषाण यानी मैकालिक तैतालीसवां प्रश्न दक्षिण भारत में विष्णु तथा शिव की अर्चना को लोकप्रिय बनाने वाले संतों के क्या नाम थे उत्तर आलवार एवं नयनर चवालीसवां प्रश्न दम महामात्रों के क्या कार्य थे उत्तर ब्राह्मणों और अन्य सभी प्रकार के भिक्षुओं की देखभाल पैतालीसवा प्रश्न नयनरों का भक्ति साहित्य किस नाम से प्रसिद्ध हुआ उत्तर देवराम छियालीसवा प्रश्न नवपाषाण शब्द की रचना किसने की उत्तर जान लुम्बाक सैतालीसवा प्रश्न पत्थर धातु पकी हुई मिट्टी आदि जैसी सख्त सतह पर खुरच कर उखेरी हुई लिखावटों को कहते हैं उत्तर अभिलेख अड़तालीसवा प्रश्न पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए उत्तर कांची सवा प्रश्न पुले कशिन द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है उत्तर प्रश्न प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंदोपन्नों में किस भारतीय यूनानी शासक का विवरण मिलिंद के रूप में मिलता है उत्तर मिनांडर। इक्यावनवा प्रश्न बुद्ध ने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया उत्तर पाली भाषा का बावनवा प्रश्न बौद्ध धर्म के लिए सभा का आयोजन हर्षवर्धन ने कहा पर किया था उत्तर कन्नौज तिरपनवा प्रश्न भारत में सबसे पहले पाए जाने वाले सिक्कों में कुछ प्रतीक बने होते थे और इन्हें कहा जाता था उत्तर आहत पंचमार्कांड सिक्के चौपनवा प्रश्न मध्य पाषाण युग के औजारों को किस नाम से पुकारा जाता है उत्तर सूक्ष्म पाषाण माने पत्थर के सूक्ष्म औजार पचपनवा प्रश्न मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में चोल कलाकारों का प्रमुख योगदान क्या था उत्तर नटराज की ताम्र प्रतिमा छप्पनवा प्रश्न मोहंसदारो की खोज किसने की उत्तर श्री आर डी बनर्जी सत्तावनवा प्रश्न मौर्य काल में शाही मालिकाना की भूमि पर होने वाली खेती किस अधिकारी की निगरानी में होती थी उत्तर सीताध्यक्ष अठावनवा प्रश्न राजतरंगिणी नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसकी रचना कलहन बारहवीं सदी ईश्वी ने की थी से कहा की जानकारी मिलती है इतिहास की उनठवा प्रश्न लोथल में पाए गए प्रमुख भवन के ढांचे का नाम बताइए उत्तर गोदी बाड़ा साठवां प्रश्न वराहमिहिर मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए उत्तर पंचसिद्धांतिक 61वां प्रश्न वह कौन सा प्रतिहार शासक था जिसकी प्रशंसा अरब विद्वानों ने की है उत्तर मिहिर भोज 62वां प्रश्न वह पहला ग्रंथ कौन सा था जिसका 1776 में अनुवाद करके अंग्रेजों ने उसे भारतीय विधि संहिता का आधार बनाया उत्तर मनुस्मृति तिरसठवा प्रश्न वैदिक लोगों के लिए पुष्यते का क्या महत्व था उत्तर क्योंकि वह माघों चरवाहों और पशुओं का देवता था चौसठवा प्रश्न व्याकरण पर सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है उत्तर पानी रचित अष्टाध्यायी पैसठवा प्रश्न शक संवत किसके द्वारा तथा कब प्रारंभ हुआ उत्तर अठहत्तर ईस्वी में कनिष्क के द्वारा छियासठवा प्रश्न शिलालेख लिखने वालों में सबसे पहला नाम किस सम्राट का है उत्तर मौर्य सम्राट अशोक का सड़सठवा प्रश्न शुरुआत में महाकाव्य महाभारत का नाम था उत्तर जय गीत या जय संहिता अड़सठवा प्रश्न संगम साहित्य की विषय वस्तु क्या थी उत्तर प्रेम तथा युद्ध उनहत्तरवा प्रश्न संस्कृत में लिखा गया विवरण जिसे प्राचीन भारत का प्रथम विवरण माना जाता है उत्तर जूनागढ़ का रुद्र दमन अथवा गिरनार शिलालेख सत्रहवा प्रश्न सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है उत्तर 510 सौ दस ईस्वी एरन अभिलेख मध्य प्रदेश में इकहत्तरवा प्रश्न समुद्र गुप्त के काल की मुद्राओं से उसकी कौन सी विशेषताओं का पता चलता था उत्तर कवि संगीतज्ञ तथा शिक्षा का संरक्षक बहत्तरवा प्रश्न सातवाहन वंश की राजधानी का नाम लिखे उत्तर प्रतिष्ठान माने महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट पैठान। तिहत्तरवा प्रश्न सातवाहन शासक स्वयं को किस संबंधित मानते थे उत्तर ब्राह्मण चौहत्तरवा प्रश्न सातवाहन शासकों में सबसे महान शासक कौन माना जाता है उत्तर गौतमी पुत्र शातकर्णी प्रथम शताब्दी उत्तरार्थ पचहत्तरवा प्रश्न सातवाहन साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी उत्तर ग्राम छिहत्तरवा प्रश्न हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरे बनी है उत्तर सेलखड़ी नामक पत्थर से सतहत्तरवा प्रश्न हड़प्पा काल के लोग किस सामग्री से बने कपड़े पहनते थे उत्तर सूत यानी कपास और अठहत्तरवा प्रश्न हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है उत्तर रावी नदी के उन्नासवीवा प्रश्न हड़प्पा की लिपि कैसे लिखी जाती थी उत्तर दाए से बाए अस्सीवा प्रश्न हड़प्पा की लिपि में लगभग कितनी संख्या में चिन्ह है उत्तर चार सौ प्रश्न हड़प्पा के नगरों में किले का निर्माण सामान्यतः किस दिशा में होता था उत्तर पश्चिमी दिशा में बयासीवा प्रश्न हड़प्पा के लोगों के लिए तांबा प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत कौन सा स्थान था उत्तर राजस्थान में खेतड़ी की खदान तिरासीवा प्रश्न हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा एवं सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है उत्तर मोहजदाड़ो चौरासीवा प्रश्न हड़प्पकालीन मुद्राओं पर प्रायः कौन से वृक्ष की आकृति पाई गई है उत्तर पेपल पचासवा प्रश्न हरियाणा के किस स्थान से हड़प्पाकालीन मिट्टी से बना हल मिला है उत्तर हिसार जिले में बनमाली से छियावा प्रश्न हर्ष के शासनकाल में महायान संप्रदाय का प्रमुख शिक्षा केंद्र था उत्तर नालंदा सतासीवा प्रश्न हर्ष चरित्र का रचयिता कौन था उत्तर बाणभट्ट अठासीवा प्रश्न हर्षवर्धन को किस शासन ने पराजित किया उत्तर पुल द्वितीय नवासीवा प्रश्न हाथी गुफा अभिलेख कहा है उत्तर भुवनेश्वर के निकट उड़ीसा में नब्बे प्रश्न हु के प्रथम आक्रमण को विफल करने वाले गुप्त वंश के राजकुमार का नाम बताइए the stand Gupta thank you if you like this video do like subscribe and share see you in the next one bye bye